और देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। शिवरात्रि के अवसर पर आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 3 बजे विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पंचामृत अभिषेक और भस्म आरती की गई। इसके बाद चंदन का लेपन, सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए। बता दें कि उज्जैन में भगवान शिव भूत भावन महाकाल के रूप में विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केवल यही ज्योतिर्लिंग है जिसकी मुद्रा दक्षिण मुखी है। बाबा के भस्म आरती में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु महाकाल के मंदिर पहुंचे। दरबार में आज प्रातः काल, क्योंकि आज शिवरात्रि के साथ साथ में प्रदोष का दिन भी है, दो दिन एक साथ पड़ने के कारण भगवान शिव का बड़ा महत्व यहाँ पर बन जाता है। इसलिए भगवान पे कुंटलों दूध दही घी सहित से अभिषेक किया गया है, भगवान पे केसर से स्नान कराया गया है, भगवान को चंदन से स्नान कराया गया है, भगवान को भांग और मावे का श्रृंगार किया गया है, भगवान महाकाल की महाआरती की गई है। बाबा महाकाल के दरबार में लाखों भक्त बाबा के दरबार में आए जो दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बाबा महाकाल की महापूजा के साथ में भस्म आरती संपन्न हुई है। जय महाकाल। बाबा महाकाल में आज प्रातः काल से भस्म आरती के पश्चात से ही शासन के सिंधिया होलकर का स्टेट का अभिषेक किया जाएगा। शाम को होलकर का अभिषेक होगा। रात की 11 बजे से बाबा महाकाल की महापूजा प्रारंभ होगी जो सदा सुबह 4 बजे तक चलेगी। 4 बजे बाबा पे सप्त ध्यान अर्पण किया जाएगा। भगवान शिव के ऊपर सप्त मुखाटा चढ़ाया जाएगा। समामन फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। शेरे के दर्शन किए जाएंगे। उसके पश्चात 12 बजे के लगभग भस्म आरती होगी। पांडा भोजन के साथ में यह महापर्व सम्पन्न होगा। जय महाकाल। बहुत अच्छा लगा। ये तो साल में एक बार आती ही है महाशिवरात्रि। जैसे आज शिव जी का शादी हुआ है, इसको हम लोग इस अवसर को बहुत बड़ा ही अवसर मानते हैं, बड़ा ही त्यौहार हम हिंदू। बहुत अच्छा सजावट हुआ, उनका बाबा का श्रृंगार हुआ, आरती हुआ, बहुत अच्छा लगा।